स्वागत है आपका हमारे चैनल ESA चेयर मैन्युफैक्चरर में। तो आज जो है हम इस चेयर के बारे में बात करेंगे कि हाँ भाई, अगर आपको चेयर का लंबर सपोर्ट निकालना है तो वो कैसे निकालना है। लंबर सपोर्ट क्या होता है? ये पीछे जो है पिलो दे रखा होता है आपके बैक के पास, ठीक है। तो उसको निकालना कैसे, इस चेयर में से इस चेयर में से इस चेयर, मतलब जो हाई बैक वाली चेयर है, हेडरेस्ट वाली या नेकरेस्ट वाली, तो उसमें से आपको लंबर सपोर्ट निकालना है तो कैसे निकालना है। और एक और बात मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको कि अगर आपके पास कोई चेयर है और आप उसको पूरा ही पार्ट्स में स्प्लिट करना चाहते हैं और कहीं पे ले जाना चाहते हैं तो वो कैसे आप ले जा सकते हैं, स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आई लिंक पे लिंक वो आ रहा होगा, प्ले लिस्ट का लिंक, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और किसी पार्ट के बारे में जानना, आपके किसी चेयर के पार्ट में कुछ स्पेसिफिक इशू है तो वो कैसे रिजॉल्व करना है, उसके लिए भी आप चेयर पार्ट्स में जाके देख सकते हैं उस प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा, चेयर के रिगार्डिंग कोई भी इशू हो तो आप इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। चलो अब इसकी बात करते हैं। तो ये आपका लंबर सपोर्ट है, इसको आपको निकालना कैसे है, ठीक है। तो इसको निकालना हो ना तो इसको सिंपली, ये जो लंबर सपोर्ट है इसको नीचे से धक्का देंगे, ठीक है, और ऊपर की तरफ इसको पुश करेंगे। तो इसको मैंने पुश किया और ये आ गया बाहर, ठीक है। तो ये लंबर सपोर्ट सिंपली अलग हो सकता है इजीली। अब इसको दोबारा लगाना है तो यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा स्पेस, और यहाँ पे एक बार पास से दिखाना है कैमरा, यहाँ पे आपको एक ये दिख रहा होगा, तो इस पे हमें आप आराम से इसको पकड़ के और ये डाल देना है, ठीक है। तो इजीली इसका निकाल सकते हैं और इजीली इसको डाल सकते हैं। ये निकालना है तो इसको मैंने बाहर ऐसे कर दिया, ये एक प्लास्टिक का दिख रहा है, इस पे दोबारा ये वाली चीज पकड़ के और ये डाल, तो इजीली रिमूव या इसको इंसर्ट कर सकते हैं। साफ करना, निकाल के साफ कर लिया, फिर इसको दोबारा इंसर्ट कर दिया। तो ये चीज इस चेयर में ऐसे निकालते हैं। और अगर आपके पास ये जैज चेयर है, ये थोड़ी डिफरेंस है, डिफरेंट है, तो इसमें निकालने का ऐसे करके नहीं निकाल सकते, इसमें ये निकलता नहीं है, लॉक होता है यहाँ पे, तो ये नहीं निकल सकता। इसके लिए क्या करना है आपको, ये अगर आप इस तरफ घुमाएंगे इस डायरेक्शन में तो ये क्या है, अपने आप पीछे आ रहा है ये, ठीक है, धीरे 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 पीछे आ रहा है। तो इसको आप जितना लास्ट तक आ सकता है उतना आप कर लेंगे, तो आप जब बैठेंगे तो ये आपको लंबर सपोर्ट फील ही नहीं होगा, ठीक है। और आपको क्लीन करना है तो आप इजिली क्लीन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और फिर दोबारा आपको लंबर सपोर्ट आगे करना है तो इसको अपोजिट डायरेक्शन घुमाएंगे इस तरफ, और ये आपका आगे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका लंबर सपोर्ट आप ऐसे अलग कर सकते हैं, अलग क्या कर सकते हैं, उसी में ही है, बट ये पीछे करने से क्या रहेगा, अलग ही होने का फील देगा, ये आपको टच नहीं होगा। इस चेयर में ऐसे था। अगर आपके पास बटरफ्लाई चेयर है तो उसमें कैसे रहेगा, बटरफ्लाई चेयर में लंबर सपोर्ट कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ऊपर नीचे करते हैं मैनुअली। अब इसको अलग करना है तो सिंपली आप इसको ऐसे घुमाएंगे और ये अपने आप ही अलग है। अब इस चेयर में आपको ये लंबर सपोर्ट फील नहीं होगा। फिर अगर इसको दोबारा लगाना है, साफ कर लिया अपना, फिर दोबारा ऐसे घुमा दिया, तो इस हिसाब से आप इसके जो चेयर से उसका लंबर सपोर्ट आप अलग कर सकते हैं, ठीक है जी। वैसे एड्रेस अलग करना है, उसके लिए मैंने बताया हुआ, ठीक है। आप जाके चेयर पार्ट्स में वीडियोस रेफर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और चैनल सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स में रेफर कर देना। बाय।